What do you mean? Being connected. Jen. मूवी की शुरुआत वरंगल अलास्का 1980 में होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम कार्ल है वो अपना काम करके जा रहा है। जब कार्ल कार चला रहा होता है तो उसकी कार का रेडियो एकदम से बंद हो जाता है और वो देखता है कि उसका दोस्त हवा में लटका है, जिसकी वजह से वो कार को एकदम से रोक देता है। तभी उसके दोस्त की कार वापस नीचे गिर जाती है। तब वो अपनी कार से निकलकर अपने दोस्त को देखने जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर एक UFO है और वो भागना शुरू कर देता है, पर वो चीज उसे ऊपर खींच लेती है। फिर प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम आइसक है वो अपनी साइकिल चलाकर नासा जेट प्रोपल्शन लैब में जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। वो अंदर जाता है और अपने दोस्त से मिलकर जल्दी से अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है और एक ऑडियो सिग्नल कनाडा से रिसीव करता है जो उन्हें अजीब लगती है क्योंकि उधर कोई सैटेलाइट तो है नहीं। फिर वो उसको वापस अपने सैटेलाइट पर भेज देते हैं और फिर वो अपने काम करने लग जाते हैं। एक दिन आधी रात में आइसक का ध्यान कंप्यूटर की तरफ जाता है और वो देखता है कि एक फाइल आई है और देखता है कि वो एक अननोन है और उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। जब वो थेरेपी सेशन के लिए जाता है तो उसके थेरेपिस्ट बोलती है कि वो सिर्फ फिजिकली फिट हो रहा है पर मेंटली नहीं, और उसे रोज 5 मिनट की वीडियो डायरी बनाने को बोलती है। वो बोलती है कि सुनने में जरूर सिली लगेगा पर ये काम करता है और वो चाहती है कि आइसक भी इसे ट्राई करे। आइसक मान जाता है और वैसे ही करता है जैसे वो बोलती है। एक दिन जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी कुछ आसमान से नीचे गिरता है और उसके करीब ही लैंड होता है। वो भागकर उसको देखने जाता है, तभी मिलिट्री वाले भी आ रहे होते हैं और वो उसको देखकर छुप जाता है। फिर वो उसको देखने के लिए जंगल के अंदर जाता है, तभी वो उधर देखता है कि उधर एक स्पेसशिप लैंड हुआ है। वो उस स्पेसशिप को गायब होने से पहले रिकॉर्ड करता है और उसे पता भी नहीं कि उसके पीछे एक एलियन है। वो थोड़ा सा पीछे देखता है तो वहाँ पर एलियन खड़ा होता है। अब वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको अब ये देखकर बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो उसके पीछे जाता है पर वो बेहोश जाता है। अब 3 दिन हो चुके हैं और आइसक कैलिफोर्निया के माउंटेन्स के ऊपर उठता है। वहाँ उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, पर उसका कैमरा उधर पड़ा होता है तो वो कैमरे में फुटेज देखता है और उसे पता लग जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। आइसक को उसकी आम में अजीब सा फील हो रहा होता है। वो गिरकर बैठ जाता है और वो उन सारे इवेंट्स के बारे में सोचता है जो थोड़े दिन पहले हुए थे। वो अपने टीवी अपने आईज के सामने गायब होता हुआ देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। वो अपने हेड्स को आगे करता है तो उसको कोई फोर्स फील हो रही होती है। तभी उसका टीवी वापस आता है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। अब वो कैमरा गायब करता है और वापस लेके आता है। वो सोने का ट्राई करता है पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आती और वो अपनी आम को ही देखता रहता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और वो उसको हाइड्रेटेड रहने को आराम करने को बोलते हैं। डॉक्टर उसको बताते हैं कि उन्होंने उसकी आम में कुछ स्टेंस देखा जो कि एक परफेक्ट फ्रैक्चर है। अब डॉक्टर आइसक को नॉर्मल फ्रैक्चर और जो फ्रैक्चर उसके हाथ में है उसके बीच में डिफरेंस बताते हैं। जब डॉक्टर उसकी आम को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि उसके ज्यादा स्कार नहीं है। फिर डॉक्टर उसके एक्सरे को रिसीव करने जाता है। अब आइसक काम पर वापस आता है और बैग से पूछता है कि क्या वो अकेले में उससे बात कर सकता है। आइसक एक कप को बैग के सामने रखता है और उसको गायब करने की कोशिश करता है और बैग उसे कन्फ्यूजन में देखता है जब तक कप गायब नहीं हो पाता। ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि बैग बिल्कुल भी अमेज नहीं है क्योंकि वो कप बैग के लिए अभी भी उधर ही है और वो आइसक को वो कप पकड़ के देता है। आइसक उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाता है और आइसक को पता चलता है कि उसकी हाइक एक दिन पहले नहीं बल्कि 3 दिन पहले हुई थी। उसे ये बात अभी तक नहीं पता थी और अब वो परेशान होकर घर वापस आ जाता है। अब वो उस फुटेज को एक स्पेस साइंस वेबसाइट पर अपलोड करता है और उस वीडियो पर एकदम सभी की अटेंशन आ जाती है। अगले दिन जब आइसक उठता है तो उसे एक स्टेशन से कॉल आती है जो उसके ऊपर एक स्टोरी करना चाहते हैं। अब वो ऑनलाइन जाकर वीडियो है कि वीडियो पर मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। उसके इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज हैं और वो वीडियो के कमेंट्स पढ़ता है लेकिन बहुत सारे लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। आइसक एक इंटरव्यू के लिए जाता है और अपनी स्टोरी बताता है जो कि एक एलियन काउंटर है और इंटरव्यूअर उसके पास पूछती है कि तुम्हारे पास उसी समय कैमरा कैसे आया। लेकिन फिर इंटरव्यूअर ऐसे सवाल पूछती है जिनके जवाब देने में वो अटक जाता है और वो अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करता है पर इंटरव्यूअर इंटरव्यू को बंद कर देती है। अब स्टोरी आगे चलती है और उसका स्कोप और साइज मीडिया में फेक बोला जाता है। अब आइसक को सभी झूठा और फेक कह रहे थे इसीलिए वो इस एक्सपीरियंस में अकेला हो गया था। फिर वो सोचता है कि मेरे जैसे कई और लोग होंगे जिन्होंने एलियंस को विटनेस किया है, तो फिर वो ऐसे ही स्टोरी सर्च करने लगता है। उसको एक सिमिलर स्टोरी मिलती है और वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की ने वहाँ पर कमेंट किया है और वो उसको मैसेज करता है। अब आइसक उसका डिनर पर वेट करता है और उसे सब कुछ फ्लोट होता हुआ दिखाई देता है, पर तभी उसे वेट्रेस आवाज मारती है जो उसे रियलिटी में वापस लेके आती है। उसको अभी भी ये नहीं पता कि वो जो देख रहा है वो रियल है या फिर उसके हेड में है। अब सारा वो लड़की है जिसको उसने कमेंट किया था वो आ जाती है। वो पहले अपनी स्टोरी नहीं बताती क्योंकि उसे नहीं पता कि वो आइसक को ट्रस्ट कर सकती है या नहीं। वो उसे फोटोज दिखाती है और बाकी एविडेंस जो
एलियन के पास होने का सबूत है वो सब कुछ दिखाती है। वो उससे पूछती है कि क्या कभी उसने 1990 का किडनैपिंग का सुना है। वो उस बारे में और पूछता है तो वो बताती है कि उसे भी कुछ अच्छी तरह से याद नहीं, पर कोई लड़का अलास्का में किडनैप हुआ था जब कार्ल और उसके साथियों ने लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया था, और सिर्फ कार्ल उसमें पास नहीं हुआ था और उसके बाद वो गायब भी हो गया। आयसेक और सारा अपनी बातें खत्म करते हैं और आयसेक उसे अपना नंबर देता है और वो चली जाती है। अब सारा आयसेक को कॉल करती है और उसे कार्ल की स्टोरी बताती है जो अलास्का में किडनैप हुआ था। आयसेक उस इंसान का नाम सर्च करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, तो उस आर्टिकल की स्कैन कॉपी मांगता है। फिर वो न्यूज में अपनी वीडियो को फेक बोलते हुए देखकर परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो बहुत सारे आउटलेट्स और फिजिकल टेप्स अपने स्टोरी को सच बताने के लिए भेजेगा। अब वो टेप्स को जब मेल करने का ट्राई करता है तो उस बॉक्स में नहीं जा रही होती है, तो एक स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता है। अब वो स्ट्रेंजर उसे पहचान लेता है और बताता है कि वो एक राइटर है जो ब्लॉग लिखता है और वो ऐसे की हेल्प जरूर करना चाहता है और उसकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, ना कि मीडिया की स्टोरी को। वो ऐसे को अपना कार्ड देकर चला जाता है। अब ऐसे घर जाकर कार्ड देखता है जो उसके राइटर कैथ ने दिया था, और फिर ऐसे उसके ऑफिस में चला जाता है। कैथ बोलता है कि तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करना होगा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी और उन्हें तुम पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐसे मान जाता है और कैथ सेटअप लगाता है और ऐसे टेस्ट लेता है। जब टेस्ट ओवर हो जाता है तो कैथ रूम से चले जाता है। अब कैथ को मैन इन ब्लैक लेके जाते हैं पर वो उधर से भागने की कोशिश करता है और वो उसे शॉटगन से शूट कर देते हैं। अब आयसेक को फैसिलिटी में लेके जाते हैं और उसे एक व्हाइट रूम में चेयर से बांध देते हैं और उधर सारा भी है। तभी टीवी ऑन होता है और एजेंट ग्रेव्स अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो आयसेक को बोलते हैं कि उन्हें कोई टेस्ट कंडक्ट करना है और स्केल ग्लास की दूसरी तरफ है। ग्रेव्स उसे फोकस करने को बोलता है। वो उसे मॉनिटर करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट को स्विच करते हैं। आयसेक पूछते हैं कि वो कहाँ है और सारा कहाँ है, पर ग्रेव्स उसे फोकस करने को बोलता है, पर उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ नहीं हो रहा था। तो ग्रेव्स उसे पूछता है कि उसे कार्ल के बारे में क्या पता है, पर आयसेक को कुछ भी नहीं पता होता। ग्रेव्स गार्ड को उसको मॉनिटर करने को बोलता है और वो बाद में फिर से बात करेंगे ऐसा बोलता है। कुछ टाइम बाद ग्रेव्स वहाँ से जाता है और आयसेक रोबोटिक गार्ड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर वो सारा को भी वहाँ से बचा के लेके चला जाता है। तभी वहाँ एडिशनल गार्ड आ जाते हैं और उन पर लेजर फायर करते हैं। आयसेक आगे जाकर एक रोबोट की गन लेकर बैक फायर करता है और वो भागना कंटिन्यू करते हैं। फिर उन्हें एक लॉक डोर मिलता है और आयसेक उस पर फोकस करता है और अपने माइंड से उसे अनलॉक कर देता है। फिर वो दोनों उस डोर से एस्केप हो जाते हैं, तो वो रियलाइज करते हैं कि वो कॉस्ट अरेकिया में है। ग्रेव्स अपने आदमी को उन्हें फॉलो करने को बोलता है कि कहीं वो दोनों कार्ल के पास न चले जाए। अब वो दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं और आयसेक सारा को बताता है कि उन्हें कैसे भी कार्ल को ढूंढना है। आयसेक कैफे में एक औरत से पूछता है कि उन्हें कंप्यूटर कहाँ मिलेगा और उन्हें जेड को ढूंढने को बोलती है। वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है पर वो सिर्फ उसके स्निपेट्स को कैच करता है क्योंकि उसे वो लैंग्वेज नहीं आती। अब वो जेड की जगह पर जा रहे हैं और ग्रेव्स उन दोनों को ढूंढ रहा है। अब वो दोनों वाटर फ्रंट पहुंच जाते हैं और वहां से जेड के पास पहुंचते हैं जो अपने कंप्यूटर पर बैठा है। वो उसके पास जाते हैं पर वो कहता है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो उन्हें बैठने और स्टोरी बताने को बोलता है। तभी आयसेक देखता है कि गार्ड्स आ रहे हैं और बोलता है कि उन्हें इधर से फटाफट जाना होगा। वो कैसे भी करके उधर से टाइम रहते हुए निकल जाते हैं और जेड उन्हें अपने ट्री हाउस तक लेके जाता है। अब वो सीधा काम की बात पर आना चाहते हैं पर जेड उन्हें रिलैक्स करने को बोलता है। सारा और आयसेक बालकनी में बात करते हैं और वहाँ सारा बताती है कि उसे उसकी मिलने से पहले ही उसके बारे में पता था क्योंकि न्यूज में उसके बारे में बता रहे थे, और वो उसे अपनी किडनैपिंग की स्टोरी भी बताती है। और फिर ऐसे बातें करते करते उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है। अब वो अंदर जाकर देखते हैं कि जेड क्या कर रहा है, पर आयसेक को याद है कि उसने ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में क्या सुना है और अब वो उस बारे में सोचते हैं। और आयसेक को लगता है कि शायद जो फाइल उसने काम के टाइम रिसीव की थी वो कनाडा में कार से ही रिलेटेड थी। अब वो उन फाइल्स को देखते हैं और कोऑर्डिनेट को सर्च करते हैं और उन्हें वुड्स में एक कैबिन मिलता है जो ब्रिटिश कोलंबिया में है। जेड को कोई कनेक्शन मिलता है और वो उसे कॉल करते हैं। जैसे ही वो कॉल करते हैं तो आयसेक कॉल पर बुलाता है, लेकिन तभी जिसको उन्होंने फोन किया था वो फोन रख देता है। अब जेड बोलता है कि वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। वो ट्राई करते हैं और आयसेक एक्सप्लेन करता है। तब वो कार्ल को बताता है कि उन्हें एक सिग्नल मिला था, लेकिन कार्ल कहता है कि वो सिग्नल क्या है मैं उसको देखना चाहता हूँ। तभी जेड आकर नासा सिस्टम के अंदर जाकर वो डाटा लेके आता है और सारा कंफ्यूज हो जाती है कि कार्ल को डाटा चाहिए क्यों। इस पर आयसेक सोचता है कि शायद उसमें कुछ और भी है जो एलियन से रिलेटेड हो। अब वो फिर कॉल करते हैं और डाटा सेंड करते हैं और वो रिव्यू करता है। अब ऑडियो उसको बताती है कि एलियंस वापस आ रहे हैं और ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच रहे हैं 5 दिनों में। कार्ल उन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपने सारे डिवाइस बंद कर दो और छुपने की कोशिश करो। फिर कार्ल वीडियो को कट कर देता है। अब आयसेक बोलता है कि उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया जाना होगा, पर सारा मना कर देती है। अब वो उसको कन्विंस करने की ट्राई करता है कि अगर वो भी जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा, और फिर वो मान जाती है।
वो जेड को भी बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसे उस एरिया के बारे में पता है। अब वो समुद्र के रास्ते से कोस्टा रिका के बाहर जाते हैं। यहाँ ग्रेव्स को भी पता है कि वो कनाडा जा रहे हैं, तो कनाडियन एजेंट्स के फ्यूजिटिव्स को देखने को बोलता है। अब वो कनाडा पहुंचकर आगे के लिए ट्रेन लेते हैं और एजेंट्स उनके पीछे हैं और आईसेक और सारा बात करते हैं और जेड अपना लैपटॉप पर बैठा है। तभी उसे उस एरिया में एक रडार मिलता है जो सिग्नल ट्रैक करता है। उसे लैपटॉप पर वो एजेंट्स पीछे आते हुए दिखाई देते हैं, तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं ताकि वो रोबोट कंफ्यूज हो जाए। पहले रोबोट पर तो काम कर जाता है, पर सेकंड रोबोट आईसेक के फेस को फायर करने से पहले पहचान लेता है और वो वहां से भागकर रूफ पर चले जाते हैं। तभी एक रोबोट उन्हें भागते हुए देख लेता है और दूसरा उनके पीछे जाता है, पर तभी वो अपने पार्टनर को बाहर जाता देखता है और देखने जाता है। तभी जेड रिमेनिंग रोबोट को ट्रेन से किक करता है और वो तीनों फिर अपनी ट्रेन जर्नी कनाडा के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब वो एक स्ट्रेंजर के साथ जा रहे हैं और जेड ने नजर रखी है कि कोई वहां आ तो नहीं रहा है। अब वो कैबिन पहुंच जाते हैं जो वुड्स में है। कार गन के साथ बाहर आता है फायर करने के लिए। तभी ऐसे उसे याद दिलाता है कि हमारे बीच बातचीत हो चुकी है और फॉर्मली सबका इंट्रोडक्शन करवाता है और वो सिर्फ एक चीज पूछता है कि उन्होंने अपने ट्रैकर डिवाइस हटाए कि नहीं, पर उन्हें नहीं पता कि ये सब क्या है। वो अंदर जाकर एक डिवाइस लेके बाहर आता है और उनको डीएक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ ग्रेव्स उनके इस मूव से खुश नहीं है। अब कार उन्हें समझाता है कि जब उसने एस्केप किया था तब से वो एलियन से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। वो उन्हें वो ऑडियो दिखाता है जो उसे बहुत मेहनत से मिली थी। अब वो आईसेक को बताता है कि उसे एक सब्सटेंशियल रिस्पांस आया था। वो इतने सालों के कांटेक्ट के बाद वो आईसेक के अनइंटेंशनल हेल्प की वजह से वो सक्सेसफुल रहा। अब वो हैरान हो जाते हैं कि वो एलियन से बात कर सकता है। आईसेक कार से पूछता है कि उसके साथ अलास्का में उस टाइम क्या हुआ था। अब कार एक स्टोरी बताता है जो उसके साथ उस समय हुई थी। अब वो सब एक साथ बैठ जाते हैं क्योंकि थंडर स्टॉर्म आ रहा है और सारा कार के रिकॉर्ड प्लेयर में म्यूजिक ऑन करती है क्योंकि उसे म्यूजिक में पीस मिलता है। उसी दौरान ग्रेव एक टीम तैयार करता है जो कि फ्यूजिटिव की एक लास्ट लोकेशन पर जाएगी और उससे शायद कार मिल जाए। जेड उधर हैरान होकर कार के इम्प्रेसिव सेटअप को देखता है और उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि किडनैपिंग से पहले वो एक लंबरजैक था। सारा ऐसे से पूछती है कि क्या वो नर्वस है, पर वो मना कर देता है और पूछती है कि उसे याद है कि फैसिलिटी में क्या हुआ था। जब उसने वो दरवाजा खोला था तो उसके पास मैजिक कहाँ से आया, लेकिन ऐसे को खुद भी पता नहीं होता कि उसने कैसे किया। और वो बातें करते हैं और फॉरेस्ट से घूमकर कार के घर पहुँचते हैं। कार उससे बोलता है कि उन्हें एक प्लान चाहिए जब एलियंस आए, क्योंकि शायद उनके पास एक ही मौका होगा। अब उन्हें नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। अब जिस दिन एलियंस ने आना है तो वो उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी अर्थ शेक करना स्टार्ट कर देती है और कार बोलता है कि वो क्लोज है। तभी आईसेक बाहर भाग कर जाता है। सभी उसको रोकने का ट्राई करते हैं पर कार उसको जाने को बोलता है। आईसेक उस पे भागना कंटिन्यू करता है। तभी वो एक एलियन को अक्रॉस करता है। अब दिखाते हैं कि कार के घर में एलियन बैठा हुआ है और उसके बगल में ट्रांसलेटर डिवाइस और ये तीनों भी बैठे हुए हैं और फिर वो बातें करते हैं। एलियन बोलता है कि वो अपने क्वेश्चन पूछना चाहता है और वो अपनी फिंगर आईसेक के फोरहेड पर रखता है और पूछता है कि वो आदमी कौन है। उसके विजन में जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं। आईसेक पूछता है कि वो क्यों उसको ढूंढ रहे हैं और अब एलियन बिलीव करता है कि वो लिंक है यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए। अब उनके आंसर से सेटिस्फाइड होकर एलियन उनसे पूछता है कि क्या उनके पास और क्वेश्चन है। सारा पूछती है कि उनकी आर्म्स में दर्द क्यों हो रहा है। तभी एलियंस उसकी आर्म को सेपरेट करके एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाता है और कहता है कि इसी की वजह से हम तुमको ढूंढ पाए हैं। फिर वो ऐसे के हाथ से भी वो ट्रैकिंग डिवाइस निकालने वाला होता है कि तभी बाहर ग्रेव्स पहुंच जाता है और अपने आदमियों के साथ बिल्कुल गन लेकर तैयार है। कार्ल अपनी गन लेकर बाहर कुछ आदमियों को देखने आता है। तभी ग्रेव्स कार्ल को देखकर बोलता है कि वो जानना चाहता है कि उसके फादर रॉबर्ट ग्रेव्स के साथ क्या हुआ था, जो कि उनकी पर्सनल फाइट भी है। वो उसे एक मिनट देता है कैबिन एग्जिट करने के लिए और कार्ल अपनी गन लेकर बाहर भाग जाता है और ग्रेव्स को स्टोरी फिर से समझाता है कि उसे नहीं पता कि उसके फादर को क्या हुआ था। ग्रेव्स उससे अनसेटिस्फाइड होकर अपने आदमियों को शूट करने को बोलता है और कार्ल फ्लोर पर गिर जाता है। तभी सारा भाग कर आती है और चेक करने पर सारा को भी वो शूट कर देते हैं। अब जेड एस्केप करने की ट्राई करता है कि वो अगला नंबर है। एलियंस जल्दी से आईसेक की आर्म से वो ट्रैकर निकाल कर फिनिश करते हैं, पर जाने से पहले वो उसको अपने पावर्स पर फोकस करने को बोलते हैं। एजेंट्स बाहर से शूट कर रहे होते हैं लेकिन आईसेक एक टेम्परल वेव भेजता है जो टाइम को स्लो कर देती है। वो बाहर जाता है और सारा को उठाता है और उसको डिसअपीयर कर देता है। अब वो वापस आता है जेड और कार्ल के लिए और उन्हें दूसरे डायमेंशन में लेके जाता है। अब वो एलियन अपनी शक्तियों से कार्ल और सारा को ठीक कर देते हैं। अब उनकी डायमेंशन में ग्रेव्स कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर गए कहाँ, क्योंकि सभी इनविजिबल हो गए थे। फिर ग्रेव्स को स्पेसशिप देखते हुए दिखाते हैं। अब दिखाते हैं 6 महीने बाद की आईसेक और सारा एक साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और जेड कार्ल के साथ साइंस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और एजेंट्स ग्रेव को फायर कर दिया है। दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।